हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज बी पॉलीनोमियल्स। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई दैट -5 इज ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, अगर हम ये -5 को ये पॉलीनोमियल में अगर हम डाल देंगे तो ये आंसर जो है ज़ीरो आएगा कि नहीं। अगर ज़ीरो आया तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर ज़ीरो नहीं आया तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, तीन क्वेश्चन दिया गया है सिमिलर टाइप का। यहाँ पे नंबर 2 में है -2 -1/2 इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया 2/7 इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 -7x। तो देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया गया है, एक एक करके करेंगे हम। जो इक्वेशन था उसे हम यहाँ पे लिख दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x के जगह में -5 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया गया -5 इज ए जीरो, तो यहाँ पे -5 जो है वो पी ऑफ एक्स के जगह में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -5 हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स के जगह में -5 आ जाएगा, एक्स के जगह में -5 +5, ये +5 जो है ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। तो -+5 हो जाता है, -5 + 5 हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि -+ हो जाता है -5 - 5 हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर -5 इज ए ज़ीरो ऑफ द पी ऑफ एक्स, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ में हमें यहाँ पे हमने निकाल दिया है ज़ीरो, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। नंबर 2 देखते हैं अभी। नंबर 2 में दिया गया है q ऑफ x इज इक्वल टू 2x+1। तो यहाँ पे q के जगह में हमें -1/2 लिखना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे x दिया गया वहाँ पे हम -1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए q के जगह x के जगह में हमने -1/2 लिखा है, और ये इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे -1/2 दिया है और जहाँ जहाँ पे x के जगह में -1/2 हो जाएगा, तो x के जगह में -1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा नीचे में, -1 + 1 हो जाएगा ज़ीरो, -+ हो जाता है माइनस, तो 1 - 1 हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो निकल के आया। देयरफॉर -1/2 इज ए ज़ीरो ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें आंसर जो है ज़ीरो निकल के आया है। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। अभी नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 में दिया गया है आर ऑफ एक्स, ये इक्वेशन दिया गया है हमारे पास 2 - 7x। तो यहाँ पे एक्स के जगह में 2/7 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स दिया गया है उसके जगह में 2/7 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 ये 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एक्स के जगह में 2/7 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 7 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा 2 - 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 - 2, यहाँ पे 2 - 2 हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो ज़ीरो निकल के आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 2/7 इज ए ज़ीरो ऑफ आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आर ऑफ एक्स का जो है आंसर ज़ीरो निकल के आया है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमें वेरीफाई करना है, 2 and 3 आर ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में हमें एक ही नंबर दिया गया था, इसमें हमें दो दो नंबर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का दो क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे 0 and 2 आर ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-4x। तो दो क्वेश्चन है, चलो एक एक करके करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन को लिख दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-2 x-3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स के जगह में 2 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है उसके जगह में हम 2 लिख देंगे। तो ये एक्स के जगह में हमने 2 लिख दिया है, -2 आ जाएगा नीचे में, यहाँ पे एक्स के जगह में 2 आ जाएगा। ठीक है, -3। तो यहाँ पे देखिए 2 - 2 हो जाता है 0, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है इसलिए इन 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि 12 नंबर जो है वो 3 है, इसलिए 3 के आगे में साइन जो है वो माइनस है, -1 आ जाएगा यहाँ पे। 0 - -1 हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स के जगह में 2 लिखा है तो आंसर आया 0। अभी हम एक्स के जगह में 3 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था
एक्स के जगह में टू लिखने के लिए और यहाँ पे थ्री लिखने के लिए, ठीक है। टू एंड थ्री आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे टू हमने कर दिया है, आंसर आया जीरो। उसके बाद देखते हैं थ्री के जगह में क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एन पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के जगह में थ्री आ गया और यहाँ पे भी एक्स के जगह में थ्री हमने लिख दिया, ठीक है। तो थ्री माइनस टू हो जाता है वन, थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो, तो वन इंटू जीरो हो जाता है जीरो। तो देखिए दोनों इक्वेशन का हमारे पास जो है आंसर जीरो आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर टू एंड थ्री आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है हमारा आंसर जो है वो जीरो आके आ चुका है, ठीक है। तो अभी नंबर टू देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यू ऑफ एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं अभी हम। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा पास इक्वेशन। यहाँ पे एक्स के जगह में हम जीरो लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है उसके जगह में हम जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे जीरो स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर, एक्स के जगह में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो स्क्वायर हो जाता है जीरो, फोर इंटू जीरो हो जाता है जीरो, जीरो माइनस जीरो हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो जीरो। उसके बाद एक्स के जगह में फोर, तो यहाँ पे देखिए एक्स के जगह में फोर, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे फोर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह में हम लिख दिया है फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू, यहाँ पे एक्स के जगह में फोर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर स्क्वायर हो जाता है सिक्सटीन, माइनस आ जाएगा फोर, फोर हो जाएगा सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो आ चुका है, यहाँ पे भी जीरो आ चुका है। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर जीरो जीरो एंड फोर आर जीरोस ऑफ क्यू ऑफ एक्स हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे जीरो और फोर जो है वो हमारा आंसर आया है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। थैंक यू।